मैं पूरा कुछ मामला? इसमें एक बड़ी रिकवरी को अंजाम देते हुए हमारी जो एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड है, हमारे एसीपी साहब और इंस्पेक्टर साहब दोनों ने लीडरशिप दिखाई उसमें और टीम को गाइड किया। और इसमें मुखबिरी के तौर पे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमने 10,000 क्वार्टर्स शराब पकड़ी है, और वो गाड़ी जो इसको लेके जा रही थी उसको भी हमने सीज किया है। तो ये इस साल की काफी बड़ी वो है धरपकड़। क्या कहेंगे जिस तरह से वहां से टिकरी बगड़ से आपने उसको पकड़ा है, किन किन इलाकों में इसकी जो वो खेप जाती थी और किन किन इलाकों में इसकी सप्लाई होती? ये हरियाणा से आ रही थी और इसको सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो स्लम एरिया हैं झुग्गी उनमें सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था। तो हमने इसमें एक आदमी अजीत नाम का व्यक्ति गिरफ्तार भी किया है। इसमें अदर लोग बाग जो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पूरी गैंग है, एक अकेला आदमी ये काम कर नहीं सकता, तो इसमें जो लोग बाग इन्वॉल्व हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी टीम उनके पीछे है, तो सजग हो जाएंगे, भाग जाएंगे कहीं। तो इसलिए हमने सभी को आइडेंटिफाई कर लिया और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए। देखो कितने लोगों के आसपास है सर पूरी टीम में, लगभग लोग कितने हैं मैं और किन अभी किन इलाकों से आते हैं? अभी मैं आपको एग्जैक्टली डेटा नहीं दे सकता कि कितने लोग हैं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से मोर देन वन आदमी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि एक अकेला आदमी इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकता। और ये जो आ रही थी शराब, ये हरियाणा से आ रही थी। आरोपी की कोई पहले इन्वॉल्वमेंट आरोपी का कोई वेरीफाई कर रहे हैं? एक बार उसका थोड़ा हमको वेरीफाई करना है अभी, क्योंकि अभी तक एग्जैक्टली उसका पता नहीं चला है कि इसके कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सर कैसे पता चला था कि मतलब इतनी बड़ी खेप जो है एक टाटा एस गाड़ी में आ रही है? ये सब हमारे जो सीक्रेट इन्फॉर्मर्स होते हैं उनके थ्रू ही हमको पता चला था कि आज ये जो ट्रांस बॉर्डर इलीगल लेकर का मूवमेंट होगा और बड़ी खेप में जाएगी। तो हमने वहाँ ट्रैप लगाया, अपने लोग बाग खड़े किए और फिर आशा के हिसाब से ही इनको पकड़ लिया गया।